हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप GTA San Andreas में आयरन मैन मोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके बाद आपने अपना कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना है एंड जो भी कैरेक्टर आप सेलेक्ट करोगे उसकी स्किन्स आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। एंड आप कोई भी स्किन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कुछ इस तरह से। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग मोड है। सो गाइस, इस मोड के साथ आपको आयरन मैन की सभी स्किन्स मिल जाती है। आयरन मैन की सभी पावर्स भी आपको मिल जाएंगी और 3 नए लोकेशंस भी आपको इसमें मिलेंगी। तो पहली लोकेशन है एवेंजर्स टावर, जो कि लॉस सैंटोस में आपको मिलेगा। दूसरी लोकेशन है स्टार्क मैंशन और तीसरी लोकेशन है एक केव, जो कि आयरन मैन मूवी में दिखाई गई थी, वो केव भी आपको मिल जाएगी। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग मॉड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। बट उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही GTA मॉडिंग वीडियोस के लिए। सबसे पहले तो गाइज, आपके पास GTA San Andreas गेम का 1.0 वर्जन होना चाहिए। अगर ये वर्जन आपके पास नहीं है तो ये मॉड जरूर क्रैश करेगा। तो अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है तो आप सिंपली डाउनग्रेड कर लेना। उसके बाद आप इन 3 फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए, जिनमें से 2 जिप फाइल्स हैं, और इन जिप फाइल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इनके एक्सट्रैक्ट होते ही आपको इसेंशियल्स फोल्डर से सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड आपने GTA San Andreas के गेम फोल्डर में पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पर आपने कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। गाइस, इन फाइल्स के इंस्टॉल होते ही आपने बैक जाना है यहाँ से। एंड यहाँ पर आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी, इस सेटअप फाइल को आपको सिंपली ओपन कर लेना है यहाँ से। तो कुछ इस तरह से ये सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने GTA San Andreas का गेम फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ भी आपने गेम को इंस्टॉल कर रखा है उस फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गेम फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। एंड अगर आप एक विंडोज 7 यूज़र हो तो इसे आपको टिक कर देना है। अगर आपके पास विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 है तो आपको इसे टिक नहीं करना है। बट अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो आपको इसे टिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड ये मोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस 2-3 मिनट में ये मोड इंस्टॉल हो जाएगा। लगभग 2 मिनट के बाद ये मोड इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको एक मोड लोडर नाम का फोल्डर मिलेगा, इसे भी आपको ओपन कर देना है। यहाँ से एक फोल्डर मिलेगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है। एंड इसके बाद आपने GTA San Andreas के गेम फोल्डर में चले जाना है। यहाँ से यहाँ पर आपने मोड लोडर फोल्डर ओपन कर लेना है एंड इसे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है एंड कॉपी एंड रिप्लेस पे भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे टिक कर दीजिए इस ऑप्शन को एंड यस पे क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर भी आपको इस ऑप्शन को टिक करके कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। गाइस, ये मोड सारे अपडेट्स के साथ इंस्टॉल हो चुका है एंड अब आप इसे इंजॉय कर सकते हो। जैसे ही आप गेम को ओपन करोगे कुछ इस तरह से एक मैसेज आएगा, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। एंड जो दूसरा मैसेज है इसमें आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे गेम में आयरन मैन मोड इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ से आपने आयरन चीट टाइप कर लेनी है, IRON। तो इसके बाद आपके सामने मेन्यू पॉपअप हो जाएगा एंड यहाँ से आप आयरन मैन मोड को यूज़ कर सकते हो। एंड इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, इसमें बहुत सारी पावर्स हैं एंड बहुत सारी सेटिंग्स भी इसमें हैं एंड 3 नए लोकेशंस भी इसमें हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये मोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही GTA मॉडिंग वीडियोज़ के लिए। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.